नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश गोयल, न्यू साक्षी होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। आज का जो मेरा विषय है डेंगू बुखार के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा डेंगू बुखार कैसे होता है और इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए और इसमें होम्योपैथिक में क्या इलाज है, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि अभी जो डेंगू बुखार चल रहा है इसमें आम जनता को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि ये बुखार जब आता है तो बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, मानसिक रूप से ज़्यादा चिंता होने लगती है। डेंगू बुखार जो होता है मच्छर के काटने से होता है, और जब मच्छर हमको काटता है तो 5-6 दिन बाद उसके लक्षण हमको दिखते हैं। ये जो लक्षण आते हैं उसमें सिर दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है और बहुत तेज़ बुखार रहता है। ये जो बुखार हमको आता है इसमें पूरे शरीर को तोड़ के रख देता है। तो ये डेंगू बुखार हमको कंफर्म कैसे होता है कि ये डेंगू बुखार ही है, तो इसके लिए हमको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। ब्लड टेस्ट करवाने के साथ में हमको डेंगू प्रोफाइल भी करवाना रहती है और एक CBC रिपोर्ट करवाना पड़ती है, जिसमें डेंगू बुखार जिन पेशेंट को होता है उनके प्लेटलेट काउंट नीचे चले जाते हैं। जब हमको कंफर्म होता है कि डेंगू हो गया है, इसमें लक्षण बहुत सारी बीमारी के सेम रहते हैं, चिकनगुनिया में भी ऐसे लक्षण आते हैं, टाइफाइड में भी कुछ सिम्टम ऐसे ही दिखते हैं, तो हमको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करने पे ही ये कंफर्म होता है। अब ये जो डेंगू बुखार होता है मच्छर के काटने से, तो मच्छर से हमको बचना चाहिए। हमारे घर के आसपास पानी भरा हुआ ना रहने दे, जिससे पानी के अंदर मच्छर जो होते हैं वो पनपते हैं। छत के ऊपर पानी को इकट्ठा ना होने दे। टायर अगर रखे हैं पानी भरा हुआ है तो उसको अपन को छत के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर ही जो डेंगू बुखार के जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे छत के ऊपर पानी ना हो, घर के आसपास पानी ना हो, और उसमें केरोसिन डालते रहें जहाँ पानी इकट्ठा होता है आसपास, तो उसमें मच्छर के अंडे हैं, मच्छर है, पनपते नहीं हैं। ये हमको सावधानी रखना पड़ती है। घर के अंदर हम खिड़कियों में मच्छरदानी लगा के रखें, जो जाली आती है खिड़कियों में, दरवाजों में, दो डोर वाले दरवाजे रहते हैं उसमें हमको मच्छर वाली जो जाली आती है उसको लगा के रखना चाहिए, जिससे मच्छर ना आए और हमको वो मच्छर से डेंगू बुखार तक ना जाना पड़े। छोटे बच्चों में क्या सावधानी रखना चाहिए, छोटे बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाना चाहिए, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में ही काटता है। तो अधिकतर क्या छोटे बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े नहीं पहनाते हैं, शॉर्ट कपड़े ही पहनाते, तो उसमें क्या मच्छर काट लेता है। और अगर एक मच्छर ने किसी घर में एक व्यक्ति को काटा है तो वो उसी पेशेंट से मच्छर काटता है, और पूरे परिवार में अगर उसको किसी को भी काट लेगा तो वो डेंगू बुखार आ जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें हमको सावधानी के साथ में मैनेजमेंट कैसे करें, होम्योपैथिक दवाई से क्या रिजल्ट मिल सकता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है डेंगू बुखार में। एक एक दो दो दिन के अंदर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं, पर उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करना पड़ती है। एक तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, दूसरी बात नारियल पानी पियो, फ्लूट ज़्यादा लेना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, और होम्योपैथिक दवाएं लें और उसमें प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन आपको होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ही ये दवाई लेना चाहिए। दवाइयाँ तो बहुत सारी है, क्योंकि लक्षणों के आधार पर ये दवाइयाँ हम सिलेक्ट करते हैं और दवाई देते हैं। मैं एक केस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसके प्लेटलेट काउंट मात्र 14,000 थे, लेकिन उनके उनके जो पति थे, उनके पति की इच्छा थी हॉस्पिटल में एडमिट करें, और जो उनकी वाइफ थी उनकी इच्छा थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हूँ। तो उसके लिए ये मेरे पेशेंट बहुत पुराने थे, उन्होंने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने ये रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप करी। व्हाट्सअप करने के बाद में मैंने देखा कि रिपोर्ट के अंदर तो प्लेटलेट काउंट मात्र 14,000 है। मैंने उनसे डिस्कस करा कि मुझे पर डे डेली रिपोर्ट चाहिएगी, मैं इसको ठीक तो कर दूंगा। जब मैंने दवाई सिलेक्ट करके दी तो एक दिन के अंदर उनको 18,000 काउंट हुए, दूसरे दिन उनको 72,000 काउंट हुए, और तीसरे दिन उनको 1,82,000 काउंट प्लेटलेट काउंट मैंने बढ़ा दिया होम्योपैथिक दवाई देके। उसके साथ में उनको मैंने पानी का बोला, 20 गिलास पानी पीना, नारियल पानी पीना, कीवी फल खाना, जितने फल वो खा सकें वो फल ले, और मैंने उनको रिजल्ट दे दिया। तो दोस्तों, मैंने ये चीज़ जो आपको केस में डिस्कस कर रहा हूँ, यकीन ना मानेंगे आप कि होम्योपैथी में ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं और देखते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट देखते हैं हम, इसमें होम्योपैथी में ही संभव है।
ये दवाइयाँ जब हम देते हैं और रिजल्ट देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज ये सोचा कि मेरे जितने भी यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको ये बताऊं कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूँ इसमें फेसबुक पे मैं सारी रिपोर्ट के साथ में, प्रूफ के साथ में अपलोड करूँगा और दिखाऊँगा। मैं डालता रहता हूँ क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसमें हमको देखने को मिलते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं और चमत्कारिक रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। आप देखते रहिए और मेरे YouTube चैनल पे आप देखते रहिए। आप लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आऊँगा और नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगा और उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।